क्या बात है हेरा बेटा, इतनी उदास क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा चाचा जान, क्या कहूँ आपको, बात कहाँ से शुरू करूँ, आपको क्या बताऊं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इस घर को किसी की नजर लग गई है। बेटा अल्लाह खैर करे, बताओ तो सही हुआ क्या है? चाचा जान, हमारी वो बहुत पुरानी मुलाजमा साबरा, आप जानते हैं ना उसे? हाँ हाँ, ये तुम्हारे घर में बेगम साहिबा की जो मुलाजमा है, देखा है ना उसे? उसने हमारे घर में चोरी कर ली। क्या? हाँ, और तब से हम सब बहुत शॉक्ड हैं, बल्कि शहीर तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। तो चोरी क्यों करेगी, वजह पता चली? वजह तो नहीं पता, लेकिन यही बात तो समझ से बाहर है कि इतनी पुरानी मुलाजमा वो ये हरकत कैसे कर सकती है। मुझे लगता है उसे जानबूझ के नहीं किया, उससे कोई गलती हुई है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन नौकरों पर अंधा एतबार करना भी मुनासिब नहीं होता, चीजों को संभाल के रखना चाहिए। लेकिन जब शहीर इतने वसूख से कह रहा है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। पुलिस को इत्तला दी तुम लोगों ने? वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में ही है, लेकिन उसने अब तक अपना जुर्म तस्लीम नहीं किया। हाँ। मुझे लगता है चाचा जान, उसको जानबूझ के कोई फंसा रहा है। कौन फंसाना चाह रहा है उसको? यही बात समझ नहीं आ रही चाचा जान। साबरा जैसी इतनी ईमानदार, इतनी वफादार मुलाजमा, वो भला चोरी कैसे कर सकती है? 15 साल उसने दादी जान के साथ इस घर में गुजारे। मेरा दिल ये बात नहीं मान रहा, और डर लगता है अगर हमसे कोई ज्यादती हो गई तो। शहीर क्या कहता?